भारतीय है, इसको प्रॉब्लम पेट दर्द की है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है। और हमने प्रार्थना करी, दो तीन बार प्रार्थना करी तो इसका दर्द चला गया। फिर दो तीन बार में फिर हो जाती है बीमार। इसके लिए कुछ करें, और प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसे चंगाई तो मिली है। पिता परमेश्वर ने बहुत चंगाई दी है, लेकिन फिर भी पूरी तरह ठीक ना हो पा रही है। हम प्रार्थना रोज़ करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और मानचंद भारती की भी प्रार्थना सुनते हैं और करते हैं। धन्यवाद करते हैं मानचंद भारती का भी, और धन्यवाद यीशु का, जो कि हमारी लड़की को चंगाई तो मिली है, लेकिन पूरी तरह चंगाई ना मिल पा रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी कहते हैं कि इसके लिए कुछ प्रार्थना करें और ये ठीक हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को, और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें, और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे भी भाइयों, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया, और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, हम देखते हैं कि लोग चंगे होते हैं, गवाहियां देते हैं, ठीक होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी गवाहियां देते हैं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बहुत सारी आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि हमारे जीवन भी आशीष आए, बरकत आए, हम बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि 90% मैं करूंगा। यदि हम लोग जो मानक मानते हैं कि 100% हमारा काम होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 90% मैं करूंगा, 10% तुझे करना है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, आज इसी बात पे याद रखना। वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है विश्वास के विषय में, क्योंकि एक सूबेदार का विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा? इसीलिए वचन के माध्यम से आप आइए, देखते हैं वचन में क्या लिखा है, लेकिन आप भी अपनी गवाही को भेज सकते हैं। बहुत सारी आशीष आपको मिलेगी आपके जीवन में, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हर एक प्रकार की जीवन में जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, टेंशन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर होंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको इस विश्वास के द्वारा याद रखना कि आपका विश्वास कैसा होगा कि आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए, बड़े बड़े काम हो, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, हर चीजों में आपको आशीष मिले। तो परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, ये कफरनहूम की बात है जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे। क्या कह रहे थे? जैसे आपने देखा होगा मत्ती अध्याय 7:5 में लिखा है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 8:5 में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के उससे विनती की, किससे? यीशु मसीह से। कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा से रोग बहुत हुआ, मतलब का लकवा का वो रोगी हो गया है और वो बहुत दुखी पड़ा है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, उस सूबेदार से यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखना। यहाँ पर ध्यान से सुनना, 7:8 उसने उससे कहा, सूबेदार से कहा, मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। केवल यीशु मसीह ने सूबेदार से इतना ही कहा था कि मैं आकर के उसे चंगा करूंगा, लेकिन इस बात पे विश्वास हमारा बढ़ेगा कि 8 में, जब 8:8 में लिखा है मत्ती 7 में, तो यहाँ पे वचन में लिखा है, 8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो वह मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ, मनुष्य हूँ, और मेरा सिपाही भी अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ कि जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। तो यह बात सुन करके यीशु मसीह ने क्या कहा, यहाँ पर उस सूबेदार ने यीशु मसीह को अपने यहाँ नहीं बुलाया, इस योग्य नहीं समझा। लेकिन आज सभी लोग समझते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, बहुत ज्यादा विश्वास योग्य हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, हर एक इंसान करता है, लेकिन हम इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के सामने हम सीना चौड़ा करके कहें कि नहीं परमेश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है।
ऐसा कोई इंसान नहीं है। ऐसे आंख उठा करके आप परमेश्वर के सामने नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक मंदिर की घटना। एक व्यक्ति जाता है, एक बहुत धनवान होता है, गरीब होता है। क्या होता है? एक बहुत धनवान होता है, गरीब होता है, और वो गरीब क्या होता पहले जाता है, वो अमीर होता है। अमीर जाता है और वहां पे कहता है कि हे परमेश्वर, देख मैं इतना चढ़ा रहा हूँ, मुझे आशीष देना। उसने परमेश्वर से नम्रता और दीनता के द्वारा अपने मन में नहीं रखा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब वो गरीब जाता है व्यक्ति परमेश्वर के भवन में दान के लिए, तो वहां पर कहता है कि परमेश्वर देख मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी कुछ है मैं बड़े नम्रता और दीनता के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे जीवन दिया, और इस योग्य नहीं मैं आपके सामने खड़ा होकर के बात कर सकूं या आपसे कह सकूं। मैं अपने सिर को झुका करके आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख लेना, और उस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं कि उसके आगे क्या घटना घटती है। तो यहां पर सूबेदार ये बात जब कहता है, तो यीशु मसीह ने कहा, 8:10 में लिखा है, यह सुन करके यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आ करके अब्राहम और इसहाक के याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यह बात यीशु मसीह ने कही कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया है जो कि कफरनहूम में उन्हें मिला। वो सूबेदार का विश्वास देखिए, आपका विश्वास ऐसा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? यदि आपके लिए आप प्रार्थना करते, हम आपके लिए प्रार्थना करते, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो आपकी बीमारियां खत्म होंगी। यदि ये मानते हैं तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, बड़े बड़े जीवन में काम होंगे, आशीष आएगी, बरकत आएगी। यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु राज्य के संतान जिस तरीके से कहता है 12 अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी क्या हुआ? चंगा हो गया। तो आपने विश्वास देखा, ऐसा विश्वास यदि हमारे जीवन में हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमारे लिए प्रार्थना ही करिए, प्रार्थना ही करिए। जब आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आज मेरा काम रुका है तो होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए आपको इस बातों को याद रखना है, बहुत बड़ी बात है। यदि आज विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, बहुत सारी आशीष आएंगी, बरकत आएंगी। तो इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें जीवन और श्वास दिया है, जो वचन दिया है आज हम अपनी गवाही देंगे, और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए जो हम आपको नंबर देते हैं, उस नंबर में व्हाट्सएप चलता है, और उस नंबर में आप सेव करके अपनी गवाही को भेजें, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े आपके द्वारा और लोगों के जीवन में काम हो, विश्वास के द्वारा और लोग विश्वास करें, क्योंकि विश्वास सुनने और वचन को पढ़ने से होता है, देखने से होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग मेरे वचन को सुनते हैं मैं उनके जीवन में आशीष और बरकत देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावान आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता, आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को और गंदे आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंत का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए,
अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आएं। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावन उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते हैं कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आप हर एक काम कर सकते हैं। जहां इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहां आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए, सत्कलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नाम से निकल, नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आज इस मसीह ने, आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं, इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदरता रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की
समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावन आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा, आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावन ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा, और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी, वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो, खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से, आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन में, उनके खत्तों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए, उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें, और आशीष आए और बरकत आए, और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें, जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में, आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें, आपकी प्रार्थनाओं को सुना, और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि पिता इस इतना मैं दान भेज रहा हूं और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।